नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। हापुड़ जिले में 3 मई को शौर्य शक्ति फाउंडेशन के नेतृत्व में ऐतिहासिक शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई दिग्गज शिक्षक शामिल हुए। शिक्षक सम्मान समारोह में हापुड़ जिले की शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा पॉलिसी, गुणात्मक शिक्षा जैसे विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और हापुड़ जिले की शिक्षा व्यवस्था को कैसे और बेहतर किया जा सकता है इस विषय पर रणनीति बनाई गई। शिक्षक सम्मान समारोह में 200 में से अधिक शिक्षक शामिल हुए, जो लगातार हापुड़ जिले में शिक्षा व्यवस्था को सही करने में अपना योगदान दे रहे हैं। शौर्य शक्ति फाउंडेशन के उपाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि सहयोगी संस्था के रूप में भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस शौर्य शक्ति फाउंडेशन के साथ शामिल रहा और 3 मई को गुणात्मक शिक्षा विषय पर यह आयोजन हापुड़ जिले में आयोजित हुआ है। भारत ग्रुप का इंस्टीट्यूशंस की टीम ने गुणात्मक शिक्षा विषय पर अपने विचार रखे और मेधावी बच्चों को स्कॉलरशिप देने का भी वादा किया है। शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन करने का उद्देश्य हापुड़ जिले की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है। हापुड़ जिले में आज शिक्षा व्यवस्था के नाम पर मजाक चल रहा है, स्कूलों की हालत खस्ता है और बच्चों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। बच्चे मजबूर हैं और उनका जीवन बर्बाद किया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शौर्य शक्ति फाउंडेशन इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ है और आगे की रणनीति बनाकर हापुड़ जिले की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कार्य करेगी, पहले भी करती रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर आराध्या त्रिवेदी जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी रहे। सैकड़ों शिक्षकों के साथ घंटों तक विचार मंथन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है और उसी के हिसाब से कार्य किया जाएगा। साथ ही शिक्षा में विशेष योगदान देने वाले 200 शिक्षकों को शौर्य शक्ति फाउंडेशन ने सम्मानित करने का भी कार्यक्रम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है, ताकि जिले में शिक्षा का सकारात्मक वातावरण बने और शिक्षक और मेहनत के साथ अपने क्षेत्र में योगदान दें। आयोजन समिति में नरेंद्र सिंह, आशुतोष शर्मा, अंकित भड़ाना, अंकाक्षा शर्मा, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, स्नेहा, ऑस्कर विजेता, विक्रम कसाना, विंदर कश्यप, मनोज कुमार गौर आदि लोग मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। कार्यक्रम में लगभग 50 इंटर कॉलेज के 200 शिक्षक मौजूद रहे। हापुड़ से गुलजार अली की खास रिपोर्ट देखें। शौर्य शक्ति फाउंडेशन पिछले 5 वर्षों से क्वालिटी एजुकेशन पे वर्क कर रहा है, जो कि गुणात्मक शिक्षा है, जिसमें हम हर साल शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष हमने शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें पूरे जिले से करीब 200 शिक्षकों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे गुणात्मक शिक्षा पे हमने बात की। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये एक मोटिव है कि जिले की शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से और अच्छा किया जा सके, उस पर हम एक सार्थक चर्चा करें और सभी के सुझाव से हम अपने जो गुणात्मक शिक्षा को लेकर हमारी नीति है उसको हम आगे बढ़ा सकें। मैम, स्टूडेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? स्टूडेंट्स को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उनकी पढ़ाई सिर्फ 12वीं कक्षा तक नहीं होती है, 12वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद भी उनकी हायर एजुकेशन को भी उनको फोकस करना चाहिए। और हमारे यहाँ पे जितने भी शिक्षक और शिक्षिका आज आए थे, जितने भी स्कूल्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था, करीब यहाँ पे 50 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, सभी से हमने आज यहाँ पे दरख्वास्त की है कि बच्चों को आगे उनके भविष्य में क्या करना है, उनको 12वीं तक ही उनको इन चीज़ों को लेकर आश्वस्त किया जाए, जिससे कि वो आगे चलकर उनको ऐसा ना हो कि उनको कुछ पता नहीं है कि आगे क्या करना है उनको, जिससे कि बच्चे 12वीं करने के बाद भी अच्छा एक अपना भविष्य बना सकें। आज हापुड़ जिले के महाराजा फार्म हाउस में शौर्य शक्ति फाउंडेशन के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हम 200 से ज़्यादा शिक्षकों को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हम पूरे हापुड़ जिले के साथ साथ प्रदेश और देश की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार कैसे हो सकता है, 200 शिक्षाविदों को एक साथ बैठाकर, एक हॉल में बैठाकर एक विचार विमर्श करके जो मुख्य बिंदु निकल कर आए, उन सुझावों पर शौर्य शक्ति फाउंडेशन खुद तो काम कर ही रहा है और उस बात को लेकर के हम जो नीति नियंता हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, प्रदेश के चाहे देश के हों, उन तक अपनी बात पहुँचाएँ, ताकि इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरे विश्व स्तर की शिक्षा व्यवस्था हम बनाकर और भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभा सकें। जनता को हमारा यही संदेश है, जब कोई एक अच्छे कारण के लिए निकलता है तो हर किसी को उसका सहयोग करना चाहिए। आप प्रेस के साथ ही हैं, मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमारे गुणात्मक शिक्षा पर किए गए कार्यों को रिपोर्ट करने के लिए इतनी भारी संख्या में आए और आपकी आवाज़ मुझे लगता है कि हापुड़ नहीं, आज पूरे भारत और पूरी दुनिया में गूंजेगी कि हापुड़ जिले में शिक्षा सम्मेलन हुआ और शौर्य शक्ति फाउंडेशन ने गुणात्मक शिक्षा पर एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इस पर हम सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है, हम देश के लिए काम करते हैं। थैंक यू सर। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।